हाय गाइस ट्विन फ्लेम एनर्जी अपडेट्स बता देती हूँ uh, जि, जितने भी फेमनाइंस uh, हैं वो लॉजिकली प्रैक्टिकली थिंक कर रही हैं ज़्यादा uh, क्योंकि उनका ऊपर का चक्रास एक्टिवेट किया गया है तो फिर uh, काफी लॉजिकली और प्रैक्टिकली देख पा रहे हैं चीज़ों को और मैस्ट uh, जो है वो काफ़ी एम्पथेटिक एंड अपने uh, अंदर एक काइंडनेस uh, फील कर रहे हैं uh, ये uh, जो है जैसे आप लव एनर्जी में रहोगे तो ऑब्वियसली आपकी जो फ्रीक्वेंसी है डीएम की और आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हमेशा सेम होती है पूरे वर्ल्ड में Uh, सिर्फ आपका फ्रीक्वेंसी और डीएम uh, आप आपके जो डीएम हैं उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होती है और किसी के साथ उनकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करती तो बाकी जितने भी उनके लाइफ में आपके लाइफ में आएंगे वो आपको कार्मिक लेसन ही सिखाएंगे तो आप अपने जर्नी में आ, कितने स्ट्रांग हो ये आप पे डिपेंड करता है आ, क्योंकि ये जो फ्रीक्वेंसी है आपके डीएम के साथ ही आपकी मैच करेगी किसी और के साथ आ, मैच नहीं करेगी जब आपके डीएम के साथ मैच करेगी और आप लाइव लव लव फ्रीक्वेंसी में रहेंगे तो वो भी लव फ्रीक्वेंसी में रहेंगे आप एंगर फ्रीक्वेंसी में रहेंगे तो वो भी एंगर तो वो वैसा ही मैच करेगा मिरर करेगा और आपका जो सबकॉन्शियस बिहेवियर है वो उनके कॉन्शियस बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होगा ये बात याद रखें हमेशा कॉन्शियसली इस चीज़ को याद रखें Uh, कुछ फेमनाइंस और मैस्कुलिन्स एस्ट्रल प्रोजेक्शन करेंगे एस्ट्रल प्रोजेक्शन वो है जो जहाँ पे मेडिटेशन uh, के वक्त या ड्रीम्स के वक्त कॉन्शियसली uh, अपने बॉडी को लीव करते हैं और uh, अपने डीएम से मिलते हैं या फिर आइयर डायमेंशन uh, में जाकर अपने डिवाइन uh, से मिलते हैं और वापस अपने ही बॉडी में आते हैं तो uh, ये ये जो है इसी के थ्रू पास्ट रिग्रेशन और पास्ट हीलिंग भी कई बार ड्रीम्स के थ्रू इसी तरह से होता है एस्ट्रल प्रोजेक्शन के थ्रू होता है आ, पास्ट हीलिंग्स पास्ट रिग्रेशन या फ्यूचर जो प्रेडिक्शन होती है कई बार वो भी इसी के थ्रू एस्ट्रल प्रोजेक्शन के थ्रू होती है जहाँ पे ऊपर जाके अपना आकाशिक रिकॉर्ड कई बार जो हाईली असेंडेड है और स्टार सीड्स हैं वो अपना आस, आ, आ, आकाशिक रिकॉर्ड्स देखते हैं कि उनकी कब कब बर्थ हुई है डिटेल्स देखते हैं कई बार और आ, हाँ ये पॉसिबल है ये एस्टल प्रोजेक्शन हाईली असेंडर्ड और हाईली जो बहुत ही ज़्यादा डीपली स्परिचुअलिज़म में हैं वो फील करते हैं आ, कर सकते हैं अपने बॉडी से अपने सोल को अलग करके आ, जा सकते हैं किसी और प्लेस में किसी और डायमेंशन में जा सकते हैं पर इसके लिए आपको बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी हाई वाइब्रेशन में रहना ज़रूरी है तभी आप हायर डायमेंशन में जा पाएंगे और हायर सोल्स से मीट कर पाएंगे एस्टल uh, प्रोजेक्शन का ये मतलब नहीं है कि आप हर सोल से मीट कर सकते हो लोअर वाइब्रेशन के जो सोल्स होते हैं उनसे आप नहीं मिल पाओगे क्योंकि आप uh, उनसे नहीं मिल uh, मिलना ठीक नहीं है और नहीं मिल सकते आप क्योंकि आप बहुत ही हाई वाइब्रेशन में होते हो तभी एस्ट्रल प्रोजेक्शन का कॉन्शियसनेस आपके दिमाग में होता है आप कॉन्शियसली सोल को आ, सोल बॉडी से निकलते हो और कॉन्शियसली कॉन्शियसलीज़ॉर्व करते हो कि क्या चीज़ें हैं ऑब्जर्व करते हो चीज़ों को और उसके बाद वापस अपने बॉडी में आते हो तो ये एक आ, प्रोसेस है यहाँ पे बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी में हाई वाइब्रेशन में रहना ज़रूरी है तभी आप हाइयर डायमेंशन में जा पाएंगे वरना आप लोअर डायमेंशन में भी जा सकते हो आ, जो कि ठीक नहीं है तो ये एस्ट्रल प्रोजेक्शन है आ, आप याद रखें कि आ, ये उन ट्विन फ्लेम्स के लिए जिनकी फाइडी यूनियन हो चुकी है आ, आप अपने माइंड के खुद मास्टर हो आप उसको रूल करो माइंड को माइंड को आ, आ, अपने आप को डोमिनेट करने ना दें आप अपने सोल को हमेशा सुने और उसको फॉलो करें और ओबे करें आप जो है अभी इस वक्त एक बटरफ्लाई की तरह हैं जैसे एक छोटा सा स्पिरिचुअल रिबर्थ होता है एक कुकून में होता है एक बटरफ्लाई उसके बाद वो एक उसमें से जब निकलता है वो बटरफ्लाई तो उस उसके पंख तो आ जाते हैं पर फिर भी वो उड़ नहीं पाते क्योंकि उनका पंख जो है वो सूखना होता है उसको ड्राई होना होता है तो आप उसी स्टेज पे हो जहाँ पे आपके जो विंग्स हैं वो ड्राई हो रहे हैं तो आप ना तो इधर क्यों आपको लग रहा होगा किसी ट्यूनल में फंसे हो जहाँ पे उस तरफ को नहीं दिख रहा ना आप इधर के हो Uh, तो ये बीच का स्टेज है नेक्स्ट आप उस टनल में से जब निकलेंगे बहुत ज़्यादा एक ब्राइट फ्यूचर है आपके लिए एक न्यू बिगनिंग है न्यू स्टार्ट है uh, कई लोगों की तो ट्रेवल्स भी हैं शिफ्टिंग भी है तो ये अभी मार्च से आज uh, मार्च सेकेंड है आज से स्टार्ट है आपका लाइफ न्यू बिगनिंग अब सिर्फ आप ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे चेंजेस ट्रांसफॉर्मेशन uh, आप कंप्लीट एक बटरफ्लाई बन चुके हो सिर्फ उड़ने की देरी है आपका जब विंग्स ड्राई हो जाएंगे तो आप एक ब्यूटीफुल फ्यूचर देख पाएंगे लेकिन अपनी जर्नी में हमेशा स्टेबल रहें स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है हमेशा इम्बेलेंस ना हो होट में भी और हमेशा पॉजिटिव रहें और बिहेवियर में भी तो ये उनके लिए था जो फाइडी जिनकी यूनियन हो चुकी है अब मैं उनको बताऊंगी जो इस जर्नी में न्यू आए उनको मैं आज बताऊंगी कि जितने भी गॉड जीसस या बुद्धा या फिर राम कृष्ण जितने भी दुनिया में डिवाइन हो डिवाइंस हैं उन सब उन सब ने जब इस धरती पे जन्म लिया था तो आप एक बात याद रखिए कि बहुत ही हम्बुल लाइफ उन्होंने जिया अगर बहुत ही अच्छे फैमिली में भी पैदा हुए थे तब भी बहुत ही हम्बल लाइफ उन्होंने जिया था और या फिर वो जैसे जीसस को ले ले एक कारपेंटर एक शे, शेपर्ड के बेटे थे और ना कि उनके पास बहुत बड़ा मनी था या बिजनेसमैन थे या फिर बहुत ही हाई फाई थे लाइक बहुत ही रिच थे ना ही जो है इवन बुद्धा भी थे बहुत ही राजा राजा के बेटे थे फिर भी उन्होंने बहुत ही हम्बलफुली लाइफ जिया वो बहुत ही इतने डाउन टू अर्थ थे और इतने हम्बली उन्होंने लाइफ को इतने मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड को उन्होंने त्याग दिया सारे लग्जरी सारे डिज़ायर्स को इवन जो कृष्ण थे वो भी एक हमेशा उनके पास जो गुण थे वो सारे ही गुण देखेंगे सारे अम्बलनेस से रिलेटेड है काइंडनेस से रिलेटेड है और जो राम जी थे उन्होंने भी बचपन में भी उन्होंने जो आश्रम में बहुत ज़्यादा रह के हम्बलनेस और काइंडनेस सीखा और उसके बाद भी वो जंगल में थे और उन्होंने पर सबको उनको उस वक्त तो उन्होंने पहचाना नहीं बाद में उनकी महिमा सबने जाना पर जब वो थे इस धरती पे थे तो उन्होंने ना तो तब मीडिया थी ना कुछ और चीज़ें थी लेकिन कितने साल हो गए तब भी हम उन्हें याद करते कितने साल पुरानी बात है ये उन्होंने उनके जन्म लिए पता नहीं कितने डायमेंशन हो गए फिर भी उनको ना तो वो बहुत बड़े स्टार थे ना उनकी बहुत बड़ा उन्होंने कुछ अर्न किया या फाइनेंशियली वो बहुत ही बड़ा बड़े थे उनका जो लाइट है उनका जो हम्बलनेस है उनका जो लव एनर्जी था वो सबको अट्रैक्ट किया वो सबको वो ब्लेसिंग्स जो उन, उनके थ्रू मिले जो शिक्षा जो नॉलेज जो आ, चीज़ें मिली वो बहुत बड़ी चीज है जो कि साफ दिखाता है कि उनके अंदर किसी भी तरह के डिजायर्स नहीं थे नेगेटिविटी नहीं थी, और प्योर सोलते और प्योर लाइट जो उनकी थी उसी की वजह से सब लोग आज तक आज प्रेस मीड में बड़े बड़े स्टार्स हो या कोई भी हो तो उनको फेमस करने के लिए इतने अपडेट्स आते रहते हैं तब हम उनको याद रखते हैं और किसी की डेथ होने के बाद तो हम फिर बिल्कुल ही उनको ज़्यादा याद नहीं करते लेकिन डिवाइंस उस उस टाइम पे जब पैदा हुए थे और उसके इतने साल बाद भी हम उनको याद करते हैं ना कि उन्होंने बहुत बड़ा बिजनेस थे या कुछ थे या स्टार थे ना हमने उनको ऑटोग्राफ लिया ना उनको मीडिया में शो किया गया किसी भी तरह का नहीं सिर्फ उनका प्यार उनका लव उनका लाइट उनका काइंडनेस और वो किसी एक के लिए अपने फैमिली में सिर्फ अपने मैं पार्शालिटी नहीं किया उन्होंने कि मैं सिर्फ अपने फैमिली मेंबर्स को अपने सारे पावर्स दूंगा या फिर मैं अपने नेबर को दूंगा या फिर अपने आस पड़ोस के उन्होंने सबसे उनका प्यार सबके लिए था पूरी दुनिया के लिए वो अब सब लोग अपने फैमिली से बाहर आए और कुछ अचीव किया दुनिया के लिए सबके लिए उन्होंने किया तो आपका भी जो जर्नी है वो सबको मिलना चाहिए सब वो जो लाइट है वो जो अफेक्शन है वो जो हम्बलनेस uh, है वो काइंडनेस है वो जो नॉलेज है वो पूरी दुनिया में स्प्रेड होने के लिए है किसी एक छोटे से दुनिया में एक कमरे में रहने के लिए नहीं है वो चीज़ तो आप अपना न्यू बिगनिंग स्टार्ट करें न्यू लाइफ स्टार्ट करें और सबको पूरी दुनिया में छाना है आपको ये नहीं कि किसी एक छोटे मोटे चीज के लिए नहीं बड़े लेवल पे uh, आपको ये स्पिरिचुअलिज्म है ये जो लव एनर्जी है ये स्प्रेड करना है तो यही चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि डिवाइन सोल है तो वो सारे डिज़ायर्स आप हटा दें बाकी चीज़ें और एक हम्बल्नेस और काइंडनेस और लव एनर्जी में आ जाएं और पूरी दुनिया में ये चीज़ स्प्रेड करें ओके गाइस, होप आपको समझ आई होगी बाय टेक केयर